प्रसूता की मौत, हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप, गुस्साए लोगों ने किया मुख्य मार्ग जाम, डॉक्टर पर कार्रवाई के आश्वासन पर शांत हुए लोग। आपको बता दें कि पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलवा खुर्द निवासी महिला की प्रसव होने के बाद मौत हो गई। कल बृहस्पतिवार को देर शाम परिजनों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोरखपुर सोनौली हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम नौतनवा व सीओ फरिंदा ने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग माने। गौरतलब है कि बुधवार को ग्राम पंचायत बेलवा खुर्द निवासी शीतल पत्नी श्यामू चौहान को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो स्वजनों ने मोहनापुर स्थित मंजरी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आरोप है कि चिकित्सक ने हालत खराब बता ऑपरेशन कर दिया। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, इसके बाद महिला की हालत गंभीर हो गई। रात को बिना ऑक्सीजन लगाए डॉक्टर अस्पताल लेके कार से गोरखपुर ले जाने लगे। कुछ दूरी पर चालक के हवाले प्रसूता को छोड़ फरार हो गए। चालक प्रसूता व पति को लेकर गोरखपुर अस्पतालों का चक्कर लगाने लगा। गोरखपुर में एक अस्पताल में पहुंचा तो वहां के चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही स्वजन आक्रोशित हो गए, शव को मोहनापुर लाकर मंजरी हॉस्पिटल पर प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। पुरंदरपुर थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम राव पुलिस फोर्स सहित पहुंच गए, मामले को किसी तरह से शांत कराया। पुलिस ने प्रसूता के पति श्यामू चौहान की तहरीर पर अस्पताल संचालक के पुत्र डॉक्टर मुख्तार के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा तो शाम करीब 6 बजे परिजनों ने ग्रामीणों के साथ गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। मौके पर फरिंदा पुरंदरपुर कोलोनी थाना की पुलिस एसडीएम नौतनवा नंद प्रकाश मौर्य, सीओ अनिरुद्ध कुमार, चौकी इंचार्ज भागवत चौधरी, शोभानाथ यादव पहुंचे। उन्होंने अस्पताल सील करने और आरोपी को पकड़कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर नेशनल हाईवे से जाम हटा और परिजन शव लेकर घर चले गए। वाले हैं, क्या बुरा मामला है? सर, मेरा नाम श्यामू चौहान है, मैं बेलवा खुर्द का रहने वाला हूँ। कल मैं अपने पत्नी को लेकर गया था मोहनापुर ढाले के आगे थोड़ा एक हॉस्पिटल है डॉक्टर मंजरी, उस अस्पताल में हम चेकअप कराने गए। चेक किए डॉक्टर, बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम बोले ठीक है कर दीजिए। तो ऑपरेशन बोले कि 2 बजे के बाद होगा, हम बोले ठीक है। तो एक डॉक्टर बुला रहे थे वहाँ गोरखपुर से, आया डॉक्टर, लगभग एक ऑपरेशन किया, दूसरा ऑपरेशन हमारा था 3:40 पे वो किया ऑपरेशन, 3:40 पे किया, 3:45 पे हमें बच्चा दिया बाहर लाकर और माँ को अंदर ही रखा हॉस्पिटल में। उसके बाद बोला, पूछे हम लोग माँ ठीक है, बोला ठीक है। उसके बाद लगभग वही 4 बजे के करीब में 20-25 मिनट बाद निकाला, अपने ही आदमी से निकलवाया और अपने ही गाड़ी में डालकर बोला कि अब इनको बीपी लो हो रहा है, लेकर जाना पड़ेगा वहाँ गोरखपुर। तो उनका डेथ तो यहीं हो गया था, लेकिन हम लोगों को ना देखने दिया ना वहाँ पे हम लोगों को छूने दिया बॉडी को। उसके बाद एक ड्राइवर को बोला कि तुम इसको लेकर जाओ, मैं पीछे दूसरी गाड़ी में, हम दोनों डॉक्टर आएंगे। हमें आगे भेज कर वो पीछे से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वहाँ पे हमें वो लेकर गया ड्राइवर, भर्ती किया एक अस्पताल में। उसके बाद वहाँ पे देखे कि बेड पे सुला के चादर उड़ा के छोड़ दिए। तो हम पूछे तो नहीं बता रहे थे वहाँ के जो थे स्टाफ। उसके बाद जो ड्राइवर गया था उससे रिक्वेस्ट करते करते लगभग आधा एक घंटे बाद, तब डॉक्टर का ना नंबर दे रहा था ना बात करा रहा था, आधा एक घंटे बाद तब बात कराया, तब डॉक्टर बोले कि वो डेथ हो चुका है तुम्हारी पत्नी का। उसके बाद वहाँ से वो ड्राइवर जो था साथ में गया, हम बोले चलो तुम भी साथ में लेकर, तो दूसरे एम्बुलेंस से हमें भेज दिया। तो हम उस ड्राइवर को भी लेकर आ रहे थे, वो ड्राइवर हमें यहाँ पे गला पकड़ के मार भी दिया, हमारी सासू माँ के साथ छेड़खानी भी कर दिया और भी हमें मारा है चोट। उसके बाद जो आप पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने क्या कहा? उसके बाद वहाँ से गोरखपुर से हम लोग आए, सूचना दिए थाने पे, अब वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम आए अस्पताल पे, बॉडी वहीं पे रखे, कुछ देर प्रदर्शन धरना रखे। उसके बाद तब पुलिस आई, बोली चलो हम आपका दरखास्त लिखा दे, मुकदमा लिखवा दे रहे हैं। तब लगभग 3 बजे रात को लेकर गए बॉडी को वहाँ महाराजगंज, बोले फ्रीजर में रखना पड़ेगा। आप लोगों ने सड़क जाम किया था, क्यों सड़क जाम किया था लोग? सर कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, 28 घंटे हो गए।
क्या मांग है आप? हमारी मांग है हॉस्पिटल सील हो, डॉक्टर को सजा हो और लाइसेंस रद्द हो। सर आज यहाँ पे किस तरह का जाम किया गया था, क्या पूरा मामला है सर, क्या आश्वासन दिया गया? यह आप सभी को अवगत कराना है कि मोनापुर में एक हॉस्पिटल में कल एक महिला की मृत्यु हो गई थी, तो उसी क्रम में ये डॉक्टर की लापरवाही प्रकाश में आई थी, जिसके बाद थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, लेकिन परिजनों का कहना था कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही जो वांछित है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।